बैठे तो आप बात कर लीजिए, आप गुरुजी से सुन सकते हैं कि दरअसल जब मैंने बताया कि गुरुजी खड़े हैं, दरअसल खड़े नहीं बल्कि बैठे नहीं, खड़े हुए हैं। दस साल हो गया खड़े खड़े। दस साल गुरुजी को 10 साल हो गया खड़े खड़े। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें, हमसे गलती हुई है, ये 10 साल से गुरुजी 10 साल से यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनका यही इनका एक तरह से देखा जाए तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या इनका यही है। ये गौ माता के लिए, विश्व शांति के लिए है। गौ माता का कत्ल खाना बंद करा जाए और राष्ट्रीय घोषित किया जाए, राम मंदिर बनवा दिया जाए, ये सबसे बड़ी इनका कहना ये है कि गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए और अपने देश में राम मंदिर बनवाया जाए। जब तक राम मंदिर नहीं बनता, जब तक गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक गुरुजी का कहना यह है कि हम इसी तरह अपना तपस्या करते रहेंगे, हम इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। तो गुरुजी इस समय अनशन पर ही बैठे हैं, एक तरह से देखा जाए खड़े रहते हैं, बैठने को नाम ले खड़े रहते हैं। तो वृंदावन से क्या है, वृंदावन से व्यास जी हैं, चल बात तो कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। ये भी वृंदावन से हैं। दर्शकों तो आप कुछ दर्शकों के लिए बोलना चाहेंगे देश के लिए? जय श्री राधे, राधे राधे। तो मैं सभी आए हुए यहाँ कुंभ में सभी दर्शकों को, सभी साधुओं को, सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी जो गौ माता की जो है रक्षा हो और देश जो है इसी तरीके से हमारा आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही धर्म कर्म के कार्य में रुचि रखते हुए नौजवान जो है इसी तरीके से आगे बढ़े रहे, यही मेरा सबके लिए संदेश है। और साधुओं से मैं यही आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं। जय श्री राम। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं वो अपने देश की जो गौ माता है, राम मंदिर है, सभी मुद्दों पर खुलकर इस समय बात कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, देश में राम मंदिर बनना चाहिए तो बनना चाहिए। कैमरामैन रुद्र प्रताप के साथ मैं राज, आप देख रहे हैं राजसो।